करते हैं बुलेटिन की। एक बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने डीजीपी पद के लिए 3 नाम भेजे हैं। 3 नामों को आगे रखा है ममता बनर्जी ने। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया है। अब नया डीजीपी कौन होगा और उसके लिए ममता बनर्जी ने 3 नाम भेजे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन क्या लिया है। बड़ा एक्शन ये लिया है, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड के गृह सचिव भी हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया गया है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड के गृह सचिव भी हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, लेटर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आदेश जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। कुल मिलाकर 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं। इसमें यूपी और उत्तराखंड के भी गृह सचिव के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी हटाए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन। और इसी बीच एक जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी के हटाए जाने के बाद ममता सरकार की तरफ से कुछ नाम सुझाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये वो नाम है जिनको पश्चिम बंगाल का डीजीपी बनाया जा सकता है। कौन कौन से वो नाम है वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। संजय मुखर्जी, रणवीर कुमार के नाम भेजे गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजीव कुमार का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग को ममता सरकार ने नाम भेजे हैं। इन तीनों में से एक को पश्चिम बंगाल का डीजीपी बनाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बड़ी खबर सामने आई कि चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए, साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया। और अब ये जानकारी सामने आई कि ममता सरकार ने डीजीपी के लिए 3 नाम भेजे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पहले से ही फिलहाल चुनाव आयुक्त ने ये पहले ही बोल दिया था। और जिस तरह पश्चिम बंगाल के फिलहाल डीजीपी को हटाया गया है, सीधे तौर पर उनके ऊपर कंडक्ट ये भी था कि कई पंचायत चुनाव वहां पर हुए और पंचायत चुनाव में जिस तरह हिंसा देखने को मिली, उसके बाद एक बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से डीजीपी को लेकर 3 नाम भेजे गए हैं फिलहाल चुनाव आयोग को, जिसमें नाम है संजय मुखर्जी, रणवीर कुमार और डॉक्टर राजेश कुमार। इन 3 नामों का जिक्र फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है चुनाव आयोग के सामने कि इन्हीं 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना जो पत्र जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के और जानकारी हम तक पहुंचाने के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो एलविश यादव देर रात तक पार्टी करने का शौकीन था, वो अब जेल में है। जेल में पूरी रात एलविश यादव सो नहीं पाया। कैसी कटी उसकी जेल में रात, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में एलविश यादव ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो एलविश ने कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांप का जहर मंगवाता था। एलविश यादव ने माना है कि वो नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल सभी से अलग अलग रेप पार्टियों में मिला है और वो उनके संपर्क में था। नोएडा पुलिस ने एलविश को 17 मार्च के शाम को गिरफ्तार किया है। कुछ महीने पहले उसे एक रेप पार्टी में देखा गया था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ कथित रूप से दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस कर रहा था। सूत्रों की माने तो अब एलविश ने खुद पुलिस के सामने पार्टी में सांपों के जहर मंगवाने की बात मान ली है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एलविश यादव अभी ग्रेटर नोएडा की जेल में बंद है। एलविश यादव को क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया जा सकता है। रविवार रात एलविश ने जेल का थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया। सूत्रों ने बताया कि एलविश यादव की पूरी रात जगते जगते कटी। एलविश जेल में बेचैन दिखाई दिया,
जिस एल्विश को देर रात तक पार्टी करने की आदत है, जो हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल रहता है, उसके लिए जेल में पहली रात बेहद बेचैनी भरी रही। वो रात भर सोने की जगह अपनी बैरक में घूमता रहा। वो कभी बैठ जाता तो कभी घूमने लगता। पूरी रात बेचैन रहा। एल्विश के लिए मानो जेल में एक एक पल भारी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि एल्विश से अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई लोगों का नाम भी सामने आ सकता है।